हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू योर टीचर। तो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में प्रागैतिहासिक कला का उद्देश्य पढ़ाया था, द एम ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्ट, कि उसके क्या उद्देश्य थे। तो देखिए, उस टाइम पर मानव ने जो है वो जादू टोना करना स्टार्ट कर दिया था, और उसके साथ साथ वो जो है वो नारी को प्रधान रूप में मानने लग गया था। मतलब नारी की वो मूर्तियाँ बना के उनको मातृ देवी मान के उनकी पूजा करने लग गया था। तो देखिए, जब प्रागैतिहासिक काल की मैंने स्टार्टिंग की थी, तो मैंने उसको जो है दो भागों में बताया था कि उसको दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन से थे वो? पाषाण काल और धातु काल। तो ये दो भागों में प्रागैतिहासिक काल को बांटा गया था। तो जो पाषाण काल था, उसके मैंने थ्री पार्ट्स बताए थे लास्ट थ्री वीडियोस में। मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया था कि वो जो पाषाण काल के तीन पार्ट थे, उनको उनमें क्या क्या चीज़ें थी। तो कौन कौन से तीन भाग थे वो? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद जो सेकंड था आपका, वो था धातुकाल। तो अब हम धातुकाल में देखेंगे कि जो आदि मानव था उसने और किस किस चीज़ की खोज की। तो चलिए देखते हैं धातुकाल। नवपाषाण काल में कृषि कर्म व पशुपालन द्वारा प्रकृति को कुछ सीमा तक नियंत्रित करने तथा मकान, मृण पात्र, वस्त्र, हथियार इत्यादि के निर्माण के पश्चात भी मानव की समस्याएँ स्थायी रूप से हल नहीं हो पाई थी। तो देखिए, जो मानव था उसने नवपाषाण काल तक काफ़ी चीज़ें उसने डेवलप कर ली थी, काफ़ी चीज़ों का विकास कर लिया था। तो देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें थी। उसने कृषि कर मतलब खेती भी करने स्टार्ट कर दी थी, पशुपालन भी करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो पशु थे, जो पालतू पशु थे, वो मानव के आवास के आसपास आकर रहने लगे थे। तो इससे पशुपालन स्टार्ट हुआ, मतलब मानव जो है उनको उपयोग में लाने लग गया, इससे पशुपालन स्टार्ट हुआ। और जो है उसने जो है प्राकृतिक की जो दी हुई चीज़ें थी उसको वो कहीं ना कहीं तक समझ गया था। उसके बाद उसने मकान भी बनाने स्टार्ट कर दिए थे। बताया था मैंने आपको कि मेनिहर से गृह निर्माण करने लग गए थे। उसके बाद इसने मृण पात्र भी बनाए, मिट्टी के बर्तन भी बनाए, मिट्टी में हड्डियाँ का जो भस्म है वो भी मिला के इसने बर्तन बनाया। और उसके बाद इसमें जो है सिलाई बुनाई, वस्त्रों का निर्माण भी स्टार्ट हो गया था नवपाषाण काल तक। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इनकी कुछ समस्याएं अभी तक हल नहीं हुई थी, मतलब कुछ समस्याएं पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी, स्थायी रूप से ख़त्म नहीं हुई थी। तो वो क्या थी आगे देखते हैं। और इसके साथ साथ धातु काल में मानव ने क्या क्या चीज़ों का आविष्कार किया वो देख लेते हैं एक बार। उसने हल का आविष्कार किया, नाव का आविष्कार किया, पहिए तथा गाड़ी, कुम्हार का चाक, ये जो चीज़ें थी वो उसने धातु काल में इन चीज़ों का आविष्कार किया। धातु काल का प्रादुर्भाव मिस्र व पूर्वी भूमध्य सागरी प्रदेश से भारत में सिंधु घाटी तक हुआ। इसी क्षेत्र में नवपाषाणकालीन ग्राम सभ्यता का उदय हुआ। तो देखिए, जो धातुकाल की स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई? मिस्र से तथा पूर्वी भूमध्य सागरी प्रदेश से, यहाँ से धातुकाल की स्टार्टिंग होती है। और भारत में कहाँ से हुई है? सिंधु घाटी तक हुई है भारत में। तो सिंधु घाटी जो है वो अभी इस टाइम पे भारत में नहीं है। सिंधु घाटी, ये जो सिंधु नदी है वो इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम में जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन पहले भारत में थी। तो जो धातु काल है वो कहाँ, भारत में कहाँ तक थी? सिंधु घाटी तक फैली हुई थी। तो जो नवपाषाणकालीन जो है इस टाइम पे ग्राम सभ्यता का भी उदय हो गया था, मतलब जो लोग थे वो गाँवों में छोटे छोटे गाँव बनाकर रहने लग गए थे। धातु काल में मानव ने पहले ताम्र का प्रयोग करने का प्रयास किया। तो देखिए, उसने जो है ताम्र मतलब तांबे का यूज़ क्यों किया सबसे पहले? क्योंकि ताम्र जो है वो लचीली धातु है, जिसके कारण इच्छित आकार देने में सुविधा होती है। ठीक है, तो देखिए, ये जो तांबा होता है वो लचीला होता है, मतलब उसको आप मनचाहा शेप दे सकते हो, किधर को भी मोड़ सकते हो। तो इसीलिए उसने जो है ये इच्छित आकार बताया हुआ है कि किसी भी आकार में उसको आप सुविधा के अनुसार मोड़ सकते हो। तो इसीलिए जो है उसने किस चीज़ का सबसे पहले यूज़ किया? ताम्र का यूज़ किया। ताम्र के जो हथियार थे और जो औजार थे, इनको जब मानव ने इस सभ्यता में उपयोग किया, तो एक ये जो है इतिहास में एक क्रांतिकारी आविष्कार था। मतलब ये जो है काफ़ी बड़ा बदलाव लाया, जो तांबे का यूज़ किया इसने वो जो है धातुकाल में काफ़ी बड़ा बदलाव लाया। तो नेक्स्ट देखते हैं।
ताम्रकाल के पश्चात 3000 वर्ष ईसा पूर्व के लगभग मानव ने काष्ठ से उत्पादन तथा उससे उपकरण बनाने की विधि का आविष्कार कर लिया। देखिए, उसने सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया था वो ताम्र का किया था, लेकिन उसने और किस चीज़ का आविष्कार कर लिया, काष्ठ का, मतलब कासा जो एक धातु है वो भी, तो उसका आविष्कार उसने जो है तांबे के बाद किया, मतलब ताम्र उपयोग के बाद इसने काष्ठ के उत्पादन के बाद उसने काष्ठ से भी उपकरण बनाने का आविष्कार किया। ताम्र व टीन की मिश्रित धातु को ही कांस्य कहते हैं। धातु काल में कलात्मक उदाहरणों में घोड़ा व सूर्य प्रमुख है। तो देखिए, ताम्र और टीन दोनों चीज़ों को मिला के, दोनों धातुओं को मिला के कांस्य बनता है, क्या कहते हैं उसको, कांस्य कहते हैं। तो जो धातु काल है उसमें कलात्मक, मतलब कुछ कलाओं से रिलेटेड उसमें कलाएँ की गई हैं, तो वो इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण मिले हुए हैं, घोड़ा व सूर्य प्रमुख हैं। तो मैं आप लोग को ये दिखाऊंगी अभी कि कैसे इन्होंने ताम्र का उपयोग करके, कांस्य का उपयोग करके जो है इसने घोड़ा और सूर्य रथ को बनाया हुआ है। 1800 से 1600 वर्ष ईसा पूर्व की यह कांस्य मूर्ति डेनमार्क से प्राप्त हुई है। तो ये जो आपको मूर्ति बता रही हूँ, ये घोड़ा और सूर्य की, तो ये जो है कहाँ से प्राप्त हुई, 1800 से 1600 के बीच में कहाँ से प्राप्त हुई है, डेनमार्क जगह से प्राप्त हुई है। इसमें एक पहिए वाली गाड़ी को घोड़ा खींच रहा है तथा पीछे एक गोलाकार प्लेट रखी है जो सूर्य की प्रतीक है। तो देखिए, ये जो मूर्ति प्राप्त हुई है यहाँ से धातु की, इसमें क्या बताया गया, एक पहिए वाली गाड़ी को घोड़ा खींच रहा है, पहिए वाली एक गाड़ी है उसको घोड़ा खींच रहा है, पीछे एक गोलाकार प्लेट लगी हुई है जो सूर्य का प्रतीक है, और इसमें पीछे की तरफ जो रथ है आपका, उसमें पीछे की तरफ एक गोलाकार प्लेट लगी हुई है, लेकिन वो किस चीज़ का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक हुई। तो ये जो प्लेट लगी हुई है उसको इन्होंने सूर्य का प्रतीक माना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, ये जो मूर्ति है कास्ट द्वारा निर्मित सूर्य रथ डेनमार्क से प्राप्त हुई है। तो ये वाली मैं मूर्ति की बात कर रही थी कि इसमें जो पहिए वाली एक गाड़ी है, वो जो गाड़ी है उसके कुछ पार्ट मिले, जैसे ये जो है ये एक पहिए का देखिए पार्ट मिला हुआ है, ये पहिए का पार्ट है और ये घोड़े का पार्ट मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो है दो चीज़ें जो प्राप्त हुई हैं, वो पहिए का पार्ट और घोड़ा, ये प्राप्त हुआ है। और बाकी वो कैसा था, एक घोड़ा गाड़ी थी, घोड़ा उसको खींच रहा था और पीछे उसमें एक गोल पहिया लगा हुआ था, पीछे की तरफ गोल चक्केदार, जो किसका प्रतीक था, सूर्य का प्रतीक था। और वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, डेनमार्क। नेक्स्ट देखते हैं। कांस्य काल से ही नगर सभ्यता का जन्म होता है। प्रदेशों के शुष्क होते जाने के कारण मानव सिंचित घाटियों में जहाँ कृषि कर्म है तो पर्याप्त जल मिल सके वहाँ निवास करने लग गया। देखिए, ये जो है छोटे छोटे गांवों में रहता था पहले, उसके बाद जब कांस्य काल आया, मतलब जब धातु काल आया, धातु काल में आगे जब थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा, तो वहाँ पे क्या हुआ, नगर सभ्यता का जन्म हुआ, मतलब वो नगरों में रहने लग गया, मतलब छोटे छोटे गाँव के बाद वो बड़े बड़े नगर में रहने लग गया। नगर सभ्यता का जो जन्म होता है वो कब होता है, धातु काल में होता है। तो वो नगरों में रहने लग गया प्रदेशों के शुष्क होते जाने के कारण, जो जहाँ पे वो गाँव में रहता था वो शुष्क होते गए, मतलब वहाँ पे जो है वो पानी की कमी होती गई। तो मानव ने क्या किया, सिंचित घाटियों में जहाँ कृषि कर्म है तो पर्याप्त जल मिल सके वहाँ पे निवास करने लग गया, मतलब जहाँ पे उसको खेती करने के लिए पूरी सुविधा मिले, उसको सींचने के लिए, खेती करने के लिए जल मिले, तो वहाँ पे वो निवास करने लग गया। तो उन गांवों को छोड़ के जहाँ पे वो शुष्क हो गए थे, तो वो जहाँ पे उसको जल प्राप्त हुआ वहाँ पे वो रहने लग गए। इससे क्या हुआ, नगर सभ्यता का जन्म हुआ। नदी घाटियों में कृत्रिम सिंचाई, प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण करना, दलदलों को सुखाना, जंगलों को साफ करना अति आवश्यक था, जिनके कारण स्थायी निवास करना कठिन था। देखिए, जब वो छोटे छोटे गांवों में रहता था तो वो नगर में क्यों आया, क्योंकि जो नदियां थी उनसे वो जो खेती करता था, तो उससे हर साल सिंचाई करता था, लेकिन क्या होता था, बाढ़ आ जाती थी, तो उस पर कोई नियंत्रण नहीं था उस टाइम पे मानव का, और जो दलदल थे उनको कैसे सुखाएं, वो भी उसके पास कोई हल नहीं था उसका, और जंगलों को साफ करना अति आवश्यक था, जिसके कारण स्थायी निवास करना कठिन था। तो इसीलिए जो है वो एक स्थायी जगह पे, मतलब एक पूर्ण रूप से वो नहीं रहते थे, इसीलिए वो जो है गांवों को छोड़ के नगर में रहने लग गए। तो देखिए, आगे देखते हैं। यही सब कारण थे जिनसे धातु काल से ही नगर सभ्यता का जन्म होने लगा। यहीं से नगर क्रांति के कारण मानव का जीवन परिवर्तित हो गया।
तो देखिए इसके बाद क्या किया मानव ने, वो नगर में रहने लग गया जहाँ पे उसको ज़्यादा सुविधा प्राप्त हुई, तो वहाँ जाके रहने लग गया। और धातु काल से ही क्या स्टार्ट हुआ, नगर सभ्यता स्टार्ट हुआ। और यहीं से जो है नगरों की जो क्रांति थी, मानव के जीवन में जो परिवर्तन हुए हैं वो इसी टाइम से हुए। कौन से काल में हुए हैं, धातु काल से हुए हैं। वह धीरे धीरे बौद्धिक व कलात्मक प्रगति करने लग गया था, वो जो है और अपनी जो है बुद्धि को इस्तेमाल करने लग गया था। उसके बाद जो है उसने और कलात्मक चीज़ों का आविष्कार भी किया। फिर जो उसकी बौद्धिक शक्ति थी वो बढ़ती ही जा रही थी आगे मानव की। इसीलिए धातुकालीन नगर क्रांति के युग को सभ्यता के जन्म का युग कहा जाता है। तो जो धातुकाल था, धातुकालीन जो नगर क्रांति थी, तो क्या कहा गया उसको, सभ्यता के जन्म, मतलब यही नगर सभ्यता का जो जन्म हुआ वो कब हुआ, धातुकाल में हुआ। तो देखिए ये चैप्टर जो है आप लोग का यहीं पे ख़त्म हुआ, ये जो प्रागैतिहासिक काल था। देखिए इससे जो है लॉन्ग क्वेश्चन ही अधिकतर आता है कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में लिखिए, तो पूरा आपका पाषाण काल और धातुकाल ये दोनों आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, और इससे जो है हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। तो देखिए ये आपका फर्स्ट चैप्टर था जो है ख़त्म हुआ, तो अब हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे। तो चलिए आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या स्टार्ट होता है, प्राचीन विश्व गुफाओं से शहरों तक। तो देखिए ये जो है, पहले मैंने आप लोग को बताया कि गुफाओं में रहता था, फिर धातुकाल के बाद नगर सभ्यता की स्टार्टिंग हुई। तो यही वो जो आपका सेकंड चैप्टर है वो प्राचीन विश्व गुफाओं से शहरों तक, मतलब गुफाओं से वो शहर तक कैसे आया। तो इसमें जो है आपके ये जो मुख्य टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं, देख लीजिए, मेसोपोटामिया की कला, ये टॉपिक हैं, इनके अंदर भी काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, कलाओं के बारे में बताया गया है। तो मैं एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि हर एक टॉपिक से हर एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो आ जाता है। तो देखिए कौन कौन सी जो यहाँ पे कलाएं हैं वो हैं, एक मेसोपोटामिया की कला है फर्स्ट आपकी, सेकंड है आपकी प्राचीन मिस्र की कला, थर्ड है आपकी एजियन कला, और फोर्थ है आपकी प्राचीन यूनान की कला, और जो लास्ट है वो आपकी है इंट्रस्कन या फिर रोमन की कला। तो आपकी मेसोपोटामिया की कला से स्टार्ट होके इट्रस्कन की जो रोमन की कला है वो वहाँ पे जाके ख़त्म होता है आपका सेकंड चैप्टर। तो हम पहले जो है इन मेसोपोटामिया की कला के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा सेकंड चैप्टर के बारे में देख लेते हैं कि गुफाओं से शहरों तक का जो सफ़र है मानव का वो कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं प्राचीन विश्व गुफाओं से शहरों तक। तो देखिए सभ्यता का आविर्भाव सर्वप्रथम पश्चिमी एशिया में दजला व फरात, अफ्रीका में नील तथा भारत में सिंधु घाटियों से हुआ था। तो देखिए ये जो नगर सभ्यता थी, मैंने आप लोग को जो है पहले बताया कि भारत में सिंधु घाटी तक हुई थी, तो यही वो कह रहा है कि सभ्यता का जो आविर्भाव था वो सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पश्चिमी एशिया। तो पश्चिमी एशिया में कौन सी नदी के पास हुआ था, दजला व फरात में, और अफ्रीका में कहाँ हुआ था, नील नदी के पास हुआ था, और भारत में कहाँ हुआ था, सिंधु नदी के पास हुआ था। तो ये जो ये दजला फरात पश्चिमी एशिया की थी, अफ्रीका जो है वो नील नदी के पास विकसित हुआ, और भारत जो है वो सिंधु नदी के पास विकसित हुआ था। जो सभ्यता का जन्म हुआ वो इन नदियों के पास में हुआ था। सेकंड देखते हैं, पूर्वी प्रदेश के प्रारंभिक उपनिवेशों में जेरिको तथा चतलह्यूक प्रमुख थे, जहाँ नवपाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष लगभग 9000 वर्ष ईसा पूर्व के मिलते हैं। तो देखिए पूर्वी प्रदेश जो थे प्रारंभिक उपनिवेश वो होते हैं जो है शहरों से थोड़ी दूर में बस्ती होती है, उसको उपनिवेश कहते हैं। तो उपनिवेशों में जेरिको तथा चतलह्यूक, तो ये जो है वो दो उपनिवेश बताए गए हैं, ये प्रमुख थे, जहाँ नवपाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष लगभग 9000 ईसा पूर्व मिलते हैं। यहाँ पे जो नवपाषाणकालीन के कुछ अवशेष हैं, कुछ पार्ट हैं, कुछ चीज़ें हैं, साक्ष्य हैं, जो कहाँ पे मिले हुए हैं, जेरिको तथा चतलह्यूक में, और कब मिले हुए हैं, 9000 ईसा पूर्व मिले हुए हैं। लगभग 8000 से 7000 वर्ष ईसा पूर्व जेरिको में लगभग 20000 व्यक्तियों के समुदाय मिट्टी की ईंटों में बने मकानों में रहते थे। तो देखिए जो जेरिको का मानव था, जो व्यक्ति थे वहाँ पे 20000 व्यक्तियों का एक पूरा समुदाय था, वो किस में रहते थे, मिट्टी की ईंटों से बने मकानों में रहते थे। मतलब उस टाइम पे मिट्टी की ईंटें बनती थी और उससे वो जो मकान बनाते थे, जो इनका समुदाय था वो कहाँ रहता था, मिट्टी की ईंटों से बने मकानों में रहता था। और कब रहता था, 8000 से 7000 ईसा पूर्व में कितने लोग रहते थे, लगभग 20000 लोगों का समुदाय जो था वो इनमें रहता था। यह मकान पत्थर से बनी 5 फुट मोटी तथा 12 से 17 फुट ऊंची दीवार के
सुरक्षा घेरे से घिरे हुए होते थे। देखिए ये जो मिट्टी के ईंटों से बने हुए मकान थे, इनके चारों तरफ जो बाउंड्री एक बनती थी वो पत्थर की बनती थी, वो कैसी थी, 5 फुट मोटी होती थी और 12 से 17 फुट ऊंची होती थी। मतलब इन मकानों के चारों तरफ ये जो दीवार थी वो बनाई जाती थी, वो पत्थर से बनाई जाती थी और उनकी जो मोटाई ऊंचाई थी वो 5 फुट मोटी थी और 12 इंच ऊंची थी। वो जो क्यों बनाई जाती थी, दीवार की सुरक्षा घेरे से घिरे रहते थे, वो सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी जिससे उनके मकान सुरक्षित रहें। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पानी का अच्छा प्राकृतिक स्रोत था जिसके कारण अन्य पड़ोसी उपनिवेशों की दृष्टि इस उपनिवेश पर लगी रहती थी, इसी कारण यह घेरबंदी करनी पड़ती थी। देखिए ये जो मोटी दीवार बनाते थे, 5 फुट मोटी और 12 से 17 फुट ऊंची जो दीवार बनाते थे पत्थर की, वो क्यों बनाते थे, क्योंकि यहाँ पे जो जेरिको था, यहाँ पे पानी का स्रोत अच्छा था, मतलब यहाँ पे पानी जो है वो अच्छी तरह से प्राप्त होता था, तो इसीलिए जो अन्य पड़ोसी उपनिवेश थे, जो अन्य जो है आसपास के जो उपनिवेश थे उनकी नज़र इन पे लगी रहती थी कि हाँ हम भी वहाँ जाके रहेंगे तो इसीलिए, या फिर उन पे हमला करेंगे और उनके मकानों में जाके रहेंगे, तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, जो जेरिको के लोग थे वो एक मोटी पत्थर की बाउंड्री करवाते थे पूरे कॉलोनी के आसपास, वो पत्थर की मोटी बाउंड्री घेराबंदी करवा लेते थे। इसी प्रकार चतलह्यूग भी पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण उपनिवेश था जो लगभग 65 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व स्थापित हुआ था। यहाँ लकड़ी व मिट्टी की ईंटों के एक मंजिल मकान बने थे जिसमें एक चौकोर कमरा, भट्टी तथा भंडार गृह थे। तो देखिए जैसे जेरिको में था वैसे ही चतलह्यूग दूसरा नाम है उपनिवेश था ये भी, तो यहाँ पे भी जो है ये जो मकान मिले हुए हैं 65,000 वर्ष ईसा पूर्व स्थापित हुए थे। तो यहाँ देखिए लकड़ी व मिट्टी की ईंटों से एक मंजिल का मकान बनता था, किससे, लकड़ी से और मिट्टी के ईंटों से, दो इसमें देखिए लकड़ी की ईंटों का भी प्रयोग होने लग गया था, तो इनसे जो है वो एक मंजिल के मकान बनते थे जिनमें एक चौकोर कमरा होता था, भट्टी होती थी और क्या होता था, भंडार गृह होता था। भंडार गृह मतलब स्टोर रूम होता था जिसमें वो अपना सारा सामान रखते थे, और इसमें भट्टी होती थी मतलब जैसे उनको किसी चीज़ को पकाना हुआ तो भट्टी पे पकाते थे, तो इसमें एक कमरा होता था, भट्टी होती थी और भंडार गृह होता था मतलब स्टोर रूम होता था। यह बिना गलियों का उपनिवेश था जहाँ मकान पूर्णतः एक दूसरे से सटे हुए थे तथा आंतरिक संपर्क हेतु खिड़की दरवाजे भी नहीं थे। मकानों में आवागमन के लिए छतों पर ही छिद्र होता था जिससे धुआं भी निकलता था। देखिए यहाँ पे जो उपनिवेश बनते, उपनिवेश में किसमें चतलह्यूग जो उपनिवेश था वहाँ के जो मकान बनते थे वो जो है एक दूसरे से सटे होते थे, मतलब उनके बीच में कोई भी गलियाँ नहीं होती थी, वो एकदम सटे हुए बनते थे, ना ही जो है उसमें अंदर से संपर्क के लिए कोई खिड़की या दरवाजे ये लोग लगाते थे। मकानों में आवागमन के लिए छतों पर छिद्र होता था। देखिए ये लोग एक मंजिल का मकान बनाते थे और इनको किसी के घर जाना होता था तो वो एक दूसरे की छत से जाते थे, मतलब खिड़की दरवाजे नहीं बनाते थे, ये जो है ऊपर छत खुला छोड़ देते थे जिससे जो है धुआं भी निकलता था और ये लोग दूसरों के घर भी आसानी से आते जाते थे, तो यहाँ पे कोई गलियाँ नहीं थी, सटे हुए मकान बनाए थे। अनेक मकानों की भित्तियाँ ज्यामिति आलेखनों, पशुओं व मानव आकृतियों से चित्रित थी, फिर भी चतलह्यूग पूर्ण सभ्यता के रूप में विकसित नहीं हुआ क्योंकि यहाँ की उर्वरक मिट्टी अधिक प्रयोग के कारण बंजर होने लग गई थी। देखिए जब उसी में बार बार वो खेती करते थे तो क्या हुआ, वो उस टाइम पे उनको जो है सही से पता नहीं था कि कृषि जो करना है तो उसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो वो क्या करते थे उस टाइम पे जो है उनको खेती करने से मतलब था कि हाँ अनाज हुआ, उन्हें प्राप्त हुआ, बस ख़त्म, तो इसीलिए वो उस टाइम पे जो बार बार उस मिट्टी का प्रयोग करते थे तो जो है अधिक प्रयोग करते थे, इसी कारण जो है वो मिट्टी क्या हुई, बंजर सी होने लग गई वहाँ पे। और जो चतलह्यूग थे उस टाइम पे मकान की जो भित्तियाँ होती थी मतलब ये जो दीवार होते थे मकानों के, उन पे ज्यामिति आलेखन पशुओं मानव आकृतियों से चित्रित भी थी। देखिए उन पे जो है ये लोग मकान के बाहर जो है वो चित्रण भी करते थे, किसका चित्रण करते थे, ज्यामिति आलेखन मतलब ज्योमेट्रिकल शेप के ही वो फूल पत्तियां बनाते थे, पशुओं को भी बनाते थे और मानव आकृतियों को भी ये लोग बनाते थे। तो ये जो चतलह्यूग था ये जो है सभ्यता के रूप में पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, इस कारण ये मानव उपनिवेश धीरे धीरे दजला व फरात की नदियों की ओर बढ़ने लग गया था। तो इसीलिए यहाँ का जो मानव था वो कहाँ बढ़ने लग गया था, किस नदी की ओर, दजला व फरात नदी की ओर बढ़ने लग गया था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उर्वरक मिट्टी ख़त्म हो गई थी तो इसीलिए वो बंजर
से दूर होने के लिए वो दजला और फरात नदी की ओर ये उपनिवेश पूरा बढ़ने लगा था। धीरे धीरे ये मानव उपनिवेश नगर राज्यों के रूप में स्थापित हो गए, जहाँ से सर्व प्राचीन एवं विश्व प्रसिद्ध सभ्यता मेसोपोटामिया का उद्भव होता है। देखिए ये जो पूरा समुदाय था इनका वो किधर बढ़ने लगे, दजला और फरात नदी की तरफ। तो इसने क्या किया, धीरे धीरे पूरा एक राज्य बना लिया, राज्य स्थापित कर लिया। उसके बाद जो है जो विश्व प्रसिद्ध मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया की जो कला है वो विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। आगे आप लोग पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी कलाएँ प्राप्त हुई हैं। तो ये जो मेसोपोटामिया है वो कहाँ से, चतल युवक के जो मानव थे उसने दजला फरात नदी के तरफ रहना स्टार्ट कर दिया, वहाँ से एक राज्य विकसित किया। उसके बाद क्या हुआ, मेसोपोटामिया का जन्म हुआ वहाँ पे। तो देखिए ये जो नीचे मैंने चित्र बना दिखाया हुआ है ये वाला, तो ये जो है ये मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया था कि ज्यामिति आलेखन पशुओं मानव आकृतियों को भी चित्रित किया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे पशुओं का भी चित्रण किया हुआ है ये, और ये सारी मानव आकृतियों का भी इन्होंने चित्रण किया हुआ है। तो ये कहाँ किया हुआ है, चतल युवक में भित्ति चित्र किया हुआ है, ठीक है, जो दीवारों पे बनाते थे, मकान के जो बाहर दीवार थे उन पे बनाते थे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ाऊंगी कि उसमें कौन कौन सी कलाओं का जन्म हुआ। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो या कन्फ्यूज़न हो वो मैसेज करें। थैंक यू।